तो हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे, ठीक और तंदुरुस्त होंगे। तो सुबह सुबह ही आज आखिरी बार है दौकी रिवर देखने का, फिर पता नहीं कभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आप सब इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो मेरे पास कोई शब्द नहीं, आप मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। तो सून जब पेमेंट सारी कलेक्ट हो जाएगी, सारे कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा और मैं गोप्रो नया ले लूँगा और आपको बताया भी जाएगा कि ये ले लिया है। तो थैंक यू सो मच। तो अभी इधर से निकलने का हो चुका है टाइम, आज हम जा रहे हैं मॉलिंग गांव, एशिया क्लीनेस्ट गांव है। तो चलते हैं, निकलते हैं, करते हैं अपना सफ़र शुरू, फिर मिलते हैं आपको। सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे जरूर। हाँ हूँ तो इतों एक यादा लैके जा रहा, नाल भाई लैके जा रहे हैं, सब तो वड्डी गल है साडे लई। चलो ठीक है सर, नाइस मीटिंग यू, फिर मिलेंगे कभी जरूर। तो अभी अपने बैग उठा लिए हैं और इधर से हो चुका है निकलने का समय, क्योंकि अभी जाना है मॉलिंग गांव। तीन चार चीज़ें और बची हैं देखने वाली मेघालय में, फिर मेघालय का सफ़र पूरा हो जाएगा। और इधर से यार, जैसा मैंने बोला, बहुत सारी यादें, बहुत सारे सुहाने पल साथ लेकर जा रहे हैं। तो ठीक है, अभी करते हैं अपना सफ़र शुरू इधर से। फाइनली पहुंच गए भाई के साथ, सीधी लिफ्ट मिल गई थी हमें। भैया थैंक यू सो मच, खुबले शिवबुन, शिवबुन, ओके भैया, बाय बाय, एंजॉय, ओके थैंक यू। तो गाइस ओनली 18 किलोमीटर रह गया मॉलोंग, जो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है, तो ये रास्ता जाता है। तो इधर से करेंगे अपनी हिचहाइकिंग शुरू। तो अभी हो चुका है अपना सुबह की चाय पीने का टाइम। और भाई लोग थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के पैसे सारे आ रहे हैं, आप लोग जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, ये सारे हैं। देखो अभी तक ऑलमोस्ट 5500 के समथिंग है ना भाई, ऐसा ही हो गया ना, इतना हो चुका है। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो प्लीज़ यार, मतलब है ना कि कुछ लोग गलत कमेंट भी कर देते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी मेरे YouTube से इनकम आनी शुरू हो गई है, बट वो मेरे पास नहीं आ रही, वो अभी एडसन के अकाउंट में ही पड़ी है, क्योंकि मैंने दो बार अपना पिन अप्लाई कर दिया और दोनों बार नहीं आया। तो अभी पता नहीं कि कब मतलब अकाउंट में आएगी, वो एडसन में ही पड़ी है उधर, तो पता नहीं कब निकाल सकते हैं, कब आएगा। जब पिन आएगा घर पर तो उसके बाद वो वेरिफिकेशन होगी, सारा कुछ होगा, तो फिर जाके कहीं फर्स्ट इनकम आएगी। यानी कि अभी YouTube के पास ही पड़ी है, उसको निकाल ही नहीं सकते। तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट कर रहे थे कि आपके पास लाख लाख कमाते हो आप, तो आप अपने अपने हाथ से नहीं ले सकते। तो मैं उनको इस चीज़ के लिए क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो बाकी थैंक यू सो मच यार, दिल से धन्यवाद आपका। तो अभी भगवान करे जल्द से जल्द जितने पैसे चाहिए उतने पैसे इकट्ठे हो जाएं और GoPro नया ले लें। तो जैसे जैसे गांव की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हरियाली और साफ सफाई दिखनी शुरू हो गई है। तो उन्होंने यार सबसे एक अच्छी बात यह है कि गांव वालों ने ना अपना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो वो साफ सफाई का इतना ध्यान रखा हुआ है, और उनको अवार्ड भी मिला था एशिया क्लीनेस्ट विलेज का 2003 में, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी जाके देखते हैं यार, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, और गांव के मुखिया से बात करेंगे कि उन्होंने कैसे मैनेज किया इन चीजों को क्लीन रखने के लिए सारा कुछ, और गांव वाले प्रॉपर साथ देते हैं यार हर चीज में। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, आपको दिखाते हैं एशिया क्लीनेस्ट विलेज, सीधा अभी गांव में जाके मिलते हैं आपको। वेलकम टू द एशिया क्लीनेस्ट विलेज मॉलोंग, मॉलोंग, यस ऐसा ही प्रोनाउंस करते हैं। तो आप देख सकते हो यार, खूबसूरत सी सड़कें शुरू हो गई हैं, और इधर गेट पे एंट्री करने के 100 रुपीस चार्ज है, जो कि ये क्लीनिंग मेंटेन करने के लिए लेते हो ना सर। थैंक यू सो मच सर। और देख सकते हो आप, खूबसूरत से पौधे लगे हुए हैं इधर, प्लांट्स लगे हुए हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हो, हर घर के बाहर है ना खूबसूरत से प्लांट लगे हुए हैं, जो इसकी शान और शोभा में चार चांद और लगा देते हैं। और सदियों से, मतलब मैंने जैसा आपको बताया ना, गांव वाले साफ सफाई करते आ रहे हैं, इसीलिए 2003 में इसको एशिया क्लीनेस्ट
विलेज का अवार्ड भी मिला है। और मैंने जहां तक सुना है कि सुबह सुबह लोग उठ के इधर गांव की सफाई करते हैं, सारे बच्चे बूढ़े लड़कियां लड़के सब इकट्ठे होकर सफाई करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, घूमते हैं गांव। और जब आप गांव के अंदर एंटर होते हैं तो यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाता है और ये टूरिस्ट के लिए पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। और जैसे ही यहां से एंटर होते हैं तो सामने एक प्यारी सी सुंदर सी खूबसूरत सी मार्केट है छोटी सी लगी हुई जो टूरिस्ट लोगों के लिए है। तो इधर भी आगे गांव की एंट्री शुरू हो जाती है। तो चलिए अभी रखते हैं अपने बैग कहीं पर और घुमाते हैं आपको ये प्यारा सा गांव। हमने भैया की दुकान पे रख दिए अपने बैग। भैया थैंक यू सो मच। क्या नाम है भैया आपका? रम। ओके। और भैया इस गांव के रहने वाले हैं और इनके पास देख सकते हो आप ये खासी ट्रेडिशनल शॉल है ना भैया? और ये हैंडमेड है सारे? बांग्लादेश से आए हुए हैं। ओके ओके ओके। तो देख सकते हो ये प्यारी सी दुकान है एक सारी। तो ये खूबसूरत सा ब्रिज बना हुआ है जो होम स्टे के अंदर है। और अगर आपने जाना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये किसी की, तो 20 रुपए लगते हैं ऊपर जाने के, तो आप जा सकते हो। तो चलिए बहुत ज्यादा बकवास कर लिए घुमाते हैं आपको विलेज, देखते हैं यार सुंदर सा विलेज है साफ सुथरा। तो ये है इस गांव की प्यारी सी चर्च और चल रही है क्रिसमस की प्रेपरेशन चल रही है इधर। वाओ। भगवान के दर्शन करने यार बहुत जरूरी है। हेलो जी, हाउ आर यू? तो ये है यहाँ की एक प्यारी सी शांत सी चर्च जहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अभी थोड़ी सी प्रे करके हटाऊँ और बैठा हूँ आराम से। और भगवान आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आपके लिए नया साल 4 चांद लगा कर आए और हमारे लिए भी आहा, ओ गॉड। तो ठीक है अभी चलते हैं और घूमते हैं। अभी तो चर्च देखी है और भी कुछ बाकी है। कितनी सुंदर सी चर्च है ना सच में यार मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि मैं इंडिया में हूँ, ये हमारा भारत महान देश है, या मैं कहीं और ही आ गया। इतना साफ सुंदर गांव यार कहीं नहीं देखा, ऐसा लग रहा है कि कहीं स्विट्जरलैंड के किसी गांव में आ गया हूँ, इतना साफ सुथरा। आखिरकार हो क्यों ना यार, आखिरकार ये एशिया का क्लीनेस्ट गांव जो कहलाता है इतना खूबसूरत आप देख सकते हो पीछे से यार, वाव। तो ये पीछे खासी ट्रेडिशन में बनी हुई है हट एक, है ना भैया? ऐसे ही है ना खासी ट्रेडिशन में। और भाई की दुकान है, भाई इधर सेल कर रहे हैं पाइनएप्पल। ओके। और भैया भी इस गांव के हैं। भैया थोड़ा सा बताइए गांव के बारे में कि कितने टाइम सफाई होती है गांव की? 3 बार। 3 बार डे में? 3 बार। और गांव के सारे लोग मिलजुल कर सफाई करते हैं? वो सोशल वर्क वो होता है, लेकिन वो हर सैटरडे में होता है। ओके, हर सैटरडे को होता है। ओके, पर डे में 3 बार होनी ही होनी है, पक्का होगा ही होगा। ओके okay. और कितने पर्सन रहते हैं भैया ये गांव में? इसकी पॉपुलेशन कितनी है गांव की? 1000 के अंदर पॉपुलेशन है। ओके okay. तो आपकी लोकल लैंग्वेज इधर में क्या, खासी बोलते हो? खासी है। ओके okay. खासी लैंग्वेज। ओके, बट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हिंदी आल्सो? दोनों।
ओके ओके दोनों सही है सही है। अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर। और गांव कितना बड़ा है भैया, कितने घंटे में एक गांव का सफर हो जाएगा पूरा? आपको आधा घंटा हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा खाली पूरा गांव घूमने के लिए। अच्छा 1000 पॉपुलेशन है और घर कितने गांव के अंदर? 106 घर है। ओके और एक मुखिया है ना? एक मुखिया। ओके ओके तो ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू, खूब ले खूब ले। तो ये गांव के अंदर टॉयलेट बनी हुई है, 10 रुपीज पे करो, पे एंड यूज टॉयलेट। और गांव देखिए यार, वाव। तो इतनी साफ सफाई से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि गांव कितना साफ सुथरा और सुंदर गांव होगा। जैसा आपने मैंने आपको बताया ही है कि 3 बार सफाई होती है इस गांव की, तो हर कॉर्नर पे आपको ये होम स्टे और रेस्टोरेंट्स इधर मिल जाएंगे देखने को। तो ये एशिया का गांव है जहां पर कॉफी मिलती है। हेलो जी, कैसे हो आप, हाउ आर यू? कितने की है कॉफी? 20 रुपीज। तो आप देख सकते हो गाँव है, पहला गाँव है यार जहाँ पर नेस्कैफे कॉफी मिलती है। और चलते हैं, अभी चाय पी ली है हमने, निकलते हैं गांव की सैर करने के लिए। यार मैं क्या कैसे बयान करूँ इसकी खूबसूरती गांव की। ओहो इतना ब्यूटीफुल सा गांव है यार, साफ सुथरा। तो सामने छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो ये हैं प्यारे प्यारे से बच्चे इधर गांव के, क्यूट क्यूट से। हेलो, हाउ आर यू? यू ओके? यू गुड? मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर इंडिया। ओके बाय 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 बाय, तुम भी कर दो बाय बाय। तो ये यार गांव के प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे, और चलते हैं अभी यार गांव घूमते हैं। बहुत बड़ा गांव है, अभी इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, बच्चों की छुट्टी होगी स्कूल से। हेलो बच्चों, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस। तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहूंगा खासी ट्राइब का घर कैसा होता है। तो एक घर देखने का मौका मिला है, ये पूरा बैम्बू का बना हुआ है ना जी, बैम्बू का है ना, बैम्बू, दिस इज मेड बाय बैम्बू। ओके ओके, सो वी हैव स्मॉल प्लेग्राउंड फॉर किड्स, यस, एंड एवरी होम दे हैव अ किचन लाइक दिस एंड दे कुक फूड लाइक दिस। इसके अंदर ही खाना बढ़ता है, एवरी होम ना, एवरी होम सेम। ओके एंड दे हैव अ किचन ऑल्सो हेयर दिस साइड फॉर वॉश एंड दे हैव अ वन बेडरूम इन साइड, ऑल मेड बाय बैम्बू ना, बैम्बू एंड टीन। ओके ओके ओके, थैंक यू, खुबले खुबले। तो दोस्तों अभी हो चुका है अपने खाना खाने का टाइम, भूख बहुत ही ज्यादा लगी है यार। और इधर एक अंडर कंस्ट्रक्शन ये रेस्टोरेंट तैयार हो रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ है इनके पास खाने के लिए। हेलो सर, क्या है खाने में, क्या कुछ मिलेगा? ये भी मिला, ये मिलेगा नहीं, क्या कुछ मिलेगा, क्या क्या सब्जी है, क्या है? आलू, फलियां, बीन्स एंड चिकन एंड राइस। हमने सफर सारा देख लिया और गांव के अंदर हमने खाना भी खाया अभी। तो अभी निकलते हैं अपनी अगली मंजिल की और हमने देखना है लिविंग रूट ब्रिज है। तो अभी जहाँ पर हमने बैग रखे थे अपने, उठाते हैं बैग और निकलते हैं अपने सफर की, और फिर मिलते हैं आपको, दिखाते हैं आज लिविंग रूट ब्रिज है, एक इधर वो रह गया, फिर उसके बाद सीधा शिलोंग निकल जाएंगे। दोस्तों साफ सुथरा गांव घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं जीता जागता लिविंग ब्रिज है, एक इधर लिविंग ब्रिज बोलते हैं, लिविंग रूट ब्रिज उसे, तो वो आपको दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है। Thank you.
यली यली। तो अभी लीविंग रूट ब्रिज देखने के बाद आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं लिफ्ट का कि कोई लिफ्ट मिलेगी तो जाएंगे। अभी 15 किलोमीटर जाना है इधर से, जहाँ से हमने सुबह सफर अपना शुरू किया था और जहाँ पर चाय पी थी वो आंटी के पास, तो उधर जाएंगे अभी, उधर ही जाके अपना टेंट लगा लेंगे। कुछ खास नहीं था यार लीविंग रूट ब्रिज, ऐसे नॉर्मल, पर वो डबल डेकर रूट ब्रिज था वो बहुत अच्छा था। तो ये जो एशिया का क्लीनेस्ट गांव देखा, बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत था। ऐसे ही तो नहीं वो बना है ना, नंबर वन उसको अवार्ड मिला था, नंबर वन एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है वो। तो ठीक है, अभी लेते हैं लिफ्ट और निकलते हैं अपनी मंजिल की। तो अभी बज चुके हैं 7:30 और हो चुका है अपने डिनर का टाइम, और फाइनली यार पहुंच ही गए। 1.5-2 घंटा वेट करनी पड़ी, और बाद में एक टैक्सी ड्राइवर थे, भैया थे, वो गुवाहाटी से थे, वो हमारी वीडियो देखते थे, तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, बोले तू मनी है ना, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया और हमें इधर तक छोड़ गए 18-19 किलोमीटर। तो मेन हाईवे पे अभी जहाँ रेस्टोरेंट पे सुबह चाय पी थी आंटी जी के पास, हेलो, तो इनके पास हमने सुबह चाय पी थी और हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने इनसे पूछ लिया अभी कि हम बाहर अपना टेंट लगा ले, तो इन्होंने परमिशन दे दी है, तो अभी टेंट लगा लेंगे, बाहर ही सो जाएंगे और करते हैं अपना डिनर। और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने हमें छोड़ दिया यार इधर तक, नहीं तो हम पता नहीं उधर ही जंगलों में कहीं खो रहे होते यार, खाना भी नहीं थे हमारे पास। तो ठीक है, अभी करते हैं अपना डिनर रात का। गुड नाइट, जय भारत जय किसान, सुबह मिलेंगे गारो हिल्स की जर्नी के साथ।